बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेटिव वर्ल्ड। दोस्तों, इस्लाम जो कि हमारा मज़हब है और दोस्तों वो दीन है जिसके बस के अलावा रोज़े क़यामत कोई और दीन कबूल नहीं किया जाएगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस्लाम जैसे सच्चे मज़हब से कुछ ममालिक और कुछ लोगों को बहुत इतराज़ है, लेकिन दोस्तों हाल ही में टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ लड़कियों ने कुरान पाक की तलावत पर डांस किया, माज़अल्लाह। दोस्तों, ये काबिल मज़म्मत है, इस पर काफ़ी एतराज़ात भी किए गए। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हॉलैंड में उनकी शान में गुस्ताखी की गई थी, उनके खाके बनाने का मुकाबला मुनक्किद किया गया था जिसको मुस्लिम ममालिक के एहतजाज के बाद रोक दिया गया। और दोस्तों, आप सब जानते हैं कि नॉर्वे में जिस तरीके से इस शख्स ने कुरान पाक की बेहरमती की थी, लेकिन दोस्तों वह भी उसको भी मुसलमान एक लड़के ने रोक लिया था। दोस्तों, इसके बारे में जब इस लड़की को पता चला कि यह मुसलमानों की मुकद्दस किताब है, तो उसने इस पर टिकटॉक पर माफ़ी मांग ली। दोस्तों, इस लड़की का कहना है कि उसने जानबूझकर नहीं किया, कि उसको पता नहीं था कि ये मुसलमानों की एक मुकद्दस किताब है। दोस्तों, इस पर काफ़ी एतराज़ किए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है एतराज़ करना इस बात पर। दोस्तों, अब बारी आती है कि इस पर मज़ीद एतराज़ होने चाहिए, मज़ीद तनकीद होनी चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों, इस चीज़ पर एक मुसलमान होने के नाते हमें माफ़ कर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वह ऐसे ही माफ़ कर देना चाहिए जैसे इस्लाम में हुक्म है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। जैसे दोस्तों हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वैशी को माफ़ किया था। और दोस्तों, हम सब ये भी जानते हैं कि जब हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फ़तह किया, तो तमाम काफ़रों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ फरमा दिया था, और हमें भी माफ़ करने का खूबसूरत सबक दिया कि माफ़ करना हमें सीखना चाहिए। दोस्तों, मज़ीद ऐसी बेहरमतियाँ ना हो तो इस पर टिकटॉक को फौरी एक्शन लेना चाहिए, एक नोटिस लेना चाहिए इस पर, ताकि इस पर किसी भी मजहबी जो है वो वायलेंस ना हो। क्योंकि दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि जब इसको कोई इसकी जो है वो बेहरमती करता है, तो मुसलमानों को बहुत दुख होता है। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।